हरे कृष्णा। तो हमारे पुराणों के पन्ने के जो ये सीरीज चल रही है 24 तत्व, इसमें से 20 तत्वों की चर्चा हम कर चुके हैं और आखिरी के ये 4 तत्व पर आज हम चर्चा करेंगे। आखिरी 4 तत्व, इन्हें सूक्ष्म तत्व कहते हैं, यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार, 3 प्रकार के गुण, और इसको मिलाकर हो जाते हैं 24 तत्व। मन यानी कि माइंड, हमारा मन जो है सूक्ष्म रूप से हमारे ही इस भौतिक शरीर के अंदर वास करता है, यानी कि जो आत्मा है, यानी हम जो हैं, उसके ऊपर का जो आवरण है, कवरिंग, उस कवरिंग को कहते हैं। 3 प्रकार की कवरिंग है, मन, बुद्धि, अहंकार, और फिर 3 गुणों की रस्सी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से बंधी हुई है जीवात्मा। 3 प्रकार के गुणों के कारण कहते हैं, कारणम गुण संग अस्यो सद असद योनि जन्मसु। अगली योनि निश्चित होती है इन 3 गुणों के आधार पर हमने कैसा किया है। संग कहते हैं, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा चढ़ेगा रंग वैसा बनेगा ढंग, और आदमी का वैसा ढंग बन जाता है। तो इसलिए 3 गुणों की रस्सी जो है, ये एक तत्व है 3 गुण। एक तत्व है मन, यानी कि जो हम मन में विचार लेके आते हैं, कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। इस संसार में फजीत में फंसाता है मन। मन जो है वो बहुत तेज गति से चलता है। आप बैठे बैठे ही अमेरिका जा सकते हैं और कहेंगे हाँ मैं मन की गति से अमेरिका पहुंच गया हूँ। मन की गति से आप धाम यात्रा कर सकते हैं, बैठे बैठे आप सब जगह भ्रमण कर सकते हैं। मन हवा से भी तेज गति से चलता है। और है मन के बाद बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी सूक्ष्म तत्व है। ये बुद्धि जो है, ये हमको विचार करने पर मदद करती है, डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करती है। इंटेलिजेंट लोग आध्यात्मिक जीवन का चुनाव कर पाते हैं। जिनकी इंटेलिजेंस कम होती है, जिनकी बुद्धि कम होती है, वो लोग कहते हैं नहीं नहीं जी, ये पूजा पाठ हमारे लिए नहीं है। तो ये बुद्धि कुशाग्र जिनकी है, तीव्र है, जिनकी बुद्धि सही है, राइट इंटेलिजेंस है, वो लोग अध्यात्म का चुनाव करते हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, उसमें कहा है, यजन्ते हि सुमेधसा। मेधा यानी कि इंटेलिजेंट, मेधावी छात्र होते हैं ना, मेधा, मेधावी। सुमेधा यानी कि जिनकी शार्प इंटेलिजेंस है, यजन्ते ही, वही मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान की जो गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, नाम जप करना, इंटेलिजेंट लोगों का। अगर नहीं भी है तो अगर आप नाम जप प्रारंभ करेंगे, भगवान गीता में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयन्ति ते। अगर हम भगवान का सतत कीर्तन करेंगे तो भगवान बुद्धि देंगे ताकि हम उन तक जुड़ सके। मन, बुद्धि और अहंकार। तो अहंकार में लोग कहते हैं अहंकार ये तो गंदी चीज है, ईगो। तो 2 प्रकार का अहंकार है, एक है मिथ्या अहंकार और एक है सच वाला, ट्रुथफुल, एब्सोल्यूट ईगो। यानी कि हम ये शरीर हैं, ये मिथ्या अहंकार है। लोग बोलते ना, मैं तो ये शरीर हूं जी, मरने के बाद किसने देखा क्या होगा, मैं तो बस अभी जिंदगी का मजा लेना चाहता हूं। तो ऐसे जो लोग सोचते हैं वो मिथ्या अहंकार में होते हैं, फॉल्स ईगो। और ट्रू ईगो क्या है, एब्सोल्यूट ईगो क्या है, मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं और इस शरीर में वो वास करती है। अगर ये इंटेलिजेंस, अगर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, देन आल्सो यू आर इन ईगो व्हिच इज कॉल्ड एज ट्रू ईगो। तो 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, सत और असत। सत मन है, असत मन है। असत मन संसार में फंसाता है, सत मन कृष्ण के चरणों में ले जाता है। असत बुद्धि संसार में लगाती है और सत बुद्धि कृष्ण के चरणों में लगाती है। असत अहंकार, मिथ्या अहंकार संसार में फंसा देता है और सत्य अहंकार हमें भगवान से मिला देता है। और 3 प्रकार के जो गुण है, ये 3 गुण जो है, इनमें से सतो गुण सबसे उत्तम गुण है, जिसमें आदमी रह करके भगवान की भक्ति को सुचारू रूप से चला सकता है। और 25वां जो है वो है आत्मा, यानी कि हम खुद। तो हमने इस प्रकार से अपने 24 तत्व सीरीज में चर्चा किया, कैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय 20, और 4 तत्वों की आज चर्चा करी। 24 तत्वों में ये आत्मा विराजमान होती है हमारे शरीर के अंदर। हरे कृष्णा।